तो और दोस्तों कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि सौर्य कुछ इस तरीका से भी आखिरकार प्लान करेगा कि यहाँ पर राजवीर को बेहोश कर देगा और उसके बाद में उसके पास में एक लड़की को छोड़ देगा, ताकि सभी लोगों को ये मैसेज जा सके कि सबसे बड़ा अय्यास राजवीर है। जी हाँ, क्योंकि पलकी को पाने के लिए कितना गिर सकता है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि इस समय साफ साफ सौर्य बोलता हुआ नजर आ रहा है कि मैं राजवीर को कभी नहीं जीतने दूंगा। क्योंकि दोस्तों कहानी बदल रही है और थोड़ी घनी नहीं बल्कि समय घने ही ज़्यादा बदलती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि समय सभी लोग डरे हुए भी हैं, सहमे हुए भी हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्योंकि दोस्तों जो हो रहा है उसकी शायद इन लोगों को कल्पना भी नहीं होगी, क्योंकि इस समय साफ साफ मानना ये है इस समय राजवीर का कि मेरे साथ में आखिरकार ऐसा ही क्यों करता है ये सौर्य। क्योंकि दोस्तों सौर्य पलकी को पाने के लिए इस समय कुछ भी कर सकता है। सौर्य ने पलकी से भी बोल दिया था कुछ समय पहले कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वो तो सही है कि सही समय पर पलकी ने तमाचा मार दिया और बोल दिया कि अपने ये मत भूलो कि आप सनाया के लिए हो और अपनी हैसियत को थोड़ा सा ध्यान में रखो, क्योंकि तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो। तुम पैसों में बड़े हो सकते हो लेकिन दिल के इज्जत में तुम बड़े नहीं हो, उसमें तुम्हें और राजवीर में बहुत ज़्यादा अंतर है। जी हाँ, क्योंकि राजवीर का दिल वाकई में दोस्तों एक अच्छा लड़का है, अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छा माइंड है और वो लोगों के प्रति एक अच्छी राय भी रखता है, इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद आता है दोस्तों वो। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्द ही आप लोगों के लिए कहानी का एक और भी बेहतरीन ट्विस्ट आप लोगों के बीच में जल्द ही दस्तक देगा दोस्तों। जी हाँ, कहते हैं हर एक चीज़ का अपना एक बहुत बड़ा पॉइंट आउट होता है। दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा इस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।